प्रशासन का भी मतलब मदद ले रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि अच्छा प्रशासन FIR मोदी नहीं करवाते हैं, जो तुमने 60 साल में चोरी किया है उसका परिणाम आज भुगत रहे हो। नरेंद्र मोदी योगी जी ये नेता कितना प्यारा, तो फूल छाप को टवा ही देना है ओ यारा। बिहार में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में क्या कुछ नजर आता आपको? वहाँ नीतीश सरकार है, नीतीश लगातार कहते रहते कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, होता है तभी तो बिहारी होके नीतीश के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि बिहार में हिंसा होती है, वो तब हुआ तभी तो हम यहाँ आए हैं। हम 25 साल से यहाँ हैं यूपी में, यही इसी सेक्टर 58 में बिशनपुरा गांव में 25-26 साल हो गया। भैया विपक्ष अपनी जगह है, मोदी जी को योगी जी कोई हरा नहीं सकता है, ये कहने के बाद कोई कुछ कह रही विश्वास जातवाद में कोई नहीं है, लेकिन ऐसा काम उन्होंने किया है, ऐसा तो किया ही नहीं। क्या काम किया बताइए? दो नंबर उन्होंने चलाई, बिजली मुक्त फेरी कर दी, इन्होंने क्या मुक्त कर दिया है? नमस्कार, मैं हूं सुदीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। 24 लोकसभा चुनाव पास है, विपक्ष जहां लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती है भ्रष्टाचार का, महंगाई का, तो वहीं लगातार पीएम मोदी कहते रहते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 पास आएगा विपक्षी पार्टियां और आक्रामक होंगी। अब ऐसे में जनता का क्या मूड है और जनता किसको चुनना चाहती है, जनता किसे पसंद करती है, हम चलते हैं लोगों के बीच में और बात करते हैं, फिर वो मुद्दा चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, और जानेंगे जनता से कि जनता 2024 में किसको सर का ताज पहनाएगी। भंडारा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे आपकी काफ़ी लंबी लाइन है, लोग आ रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य ये है भैया कि हम नोएडा से एक छोटी संस्था है हमारी, बालाजी सेवा समिति नोएडा, इसके माध्यम से हम भक्तों को धार्मिक स्थानों के दर्शन कराते हैं, जिसमें मेहदीपुर बालाजी मेन है, मेहदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, दादी रानी सती, सालासर बालाजी और हरिद्वार और वृंदावन भी हैं हमारे। तो जो भी भक्त हमारे साथ नोएडा गाजियाबाद से जुड़े हैं सभी सेवादार ही हैं, जो भी भक्त हैं, जो खाने वाले भी हैं और जो सेवक हैं सब भी बाबा के सेवक ही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ उनका अच्छा संबंध है और हमारी बातों को लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और अच्छे से लाइन में लोग, आप देख रहे हैं कतारें लंबी लगी हैं, लेकिन बड़े विश्वास के साथ बाबा का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बाबा का जन्मदिन भी है आज, हनुमान जन्मोत्सव है, हनुमान जन्मोत्सव है बाबा का, तो उसके लिए हम लोग, हमारी पूरी टीम है, 100 से ज़्यादा लोगों की हमारी पूरी टीम है। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी संख्या भी दिख रही है लोगों की। अच्छा, जिस प्रकार से अभी रामनवमी पर अलग अलग देश का अलग अलग प्रदेशों में हिंसा हुई, तो आपको नहीं लगता कि यूपी में या जो गुजरात में हुआ आप देख लें, उठा के बिहार में हुआ आप देख लें, बंगाल में हुआ, तो वहाँ की सरकार में या योगी की सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर कुछ अंतर नजर आता आपको? यूपी में नहीं होगी जी, योगी बाबा का सरकार है तो कहाँ से जी, योगी बाबा का सरकार है सर, नहीं चलेगा यहाँ किसी का गुंडागर्दी नहीं चलेगा। हम लोग प्रशासन का भी मतलब मदद ले रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि अच्छा प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की आप मदद ले रहे हैं, प्रशासन वहाँ भी था, तो आपको क्या लगता है कि मतलब किसकी फेलियर थी? अगर इस प्रकार से अगर इस तरीके से किसी भी जुलूस पर पत्थर फेंका जाता है या सांप्रदायिक हिंसा भड़कती है तो उसमें दोनों लोग घायल होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो इसके लिए हमारे योगी जी बैठे हैं ना, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रशासन हम लोग के साथ लगी पड़ी है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और प्रशासन हमारी लाइन लगा के तब जाकर लोगों को व्यवस्था करवा रही है ताकि कहीं से किसी के साथ कोई गलत भावना ना हो या कोई दिक्कत ना हो किसी तरीके। अच्छा, जिस तरीके से बंगाल बिहार में इतनी बड़ी हिंसा भड़की, वो हिंसा आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्या कुछ कहेंगे उस पर आप? सर देखिए, हमारे पास आज की डेट में हज़ारों से ज़्यादा तादाद की लोगों की भीड़ है आज, और बड़ी आसानी के साथ योगी जी की कृपा समझ लीजिए कि प्रशासन बिना कहे हमारे पास आगे खड़ी हो गई है, जो भी सुविधाएं चाहिए उन्होंने हमसे पूछा है, ना कि हमने उनसे जाके आग्रह किया है कि अगर हमें कोई प्रशासन से रिलेटेड कोई सपोर्ट चाहिए तो पूरी टीम उनके साथ खड़ी है, आप लोग बड़े सुविधा के साथ जैसा चाहते हैं वैसा भंडारा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी अपना मना रही है साप्ताहिक दिवस मना रही है वो, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला भैया कि आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हम हनुमान जी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं, हनुमान जी राक्षसों का नाश करते थे, हम भ्रष्टाचारियों का नाश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हम ये कहेंगे सर, हनुमान जी हमारे कलयुग के हमारे गुणा आधार हैं, सूत्र आधार हैं, वो इस कलयुग में अभी कोई ऐसा नहीं हुआ है कि जो हमारे हनुमान जी जैसा कार्य कर पाए, इसलिए हम उनको अपना सूत्र आधार मानते हुए इस पब्लिक को ये समझाना चाहते हैं कि ये जो हमारे जातिवाद हिंदू धर्म से मुझे जो हमारा धर्म है मैं उसका सम्मान तो करूंगा ही, मैं दूसरे धर्म का सम्मान करता हूं, अगर इस धर्म दूसरा धर्म हमसे अगर कोई बेफालतू बेवजह
आया तो मैं परशुराम भी बन सकता हूँ। तो जिस तरीके से जब चुनाव करीब आता है कहीं ना कहीं ऐसे दंगे फसाद देखने को मिलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टी अपनी रोटी सेकती हैं? सर देखो, ये तो समय का चक्र है कि जिसको जैसा मौका मिलता है अपनी रोटी सेकने के लिए हर एक इंसान एक दूसरे का सहारा लेता है। अच्छा, फिर आप 2024 में कैसी सरकार देखते हैं? सर आने वाले 10 सालों तक हम योगी सरकार को के अलावा कोई सरकार ही नहीं देख रहे हैं। अभी 10 साल के बाद जब तक कोई अभाव ना हो तब तक हम कोई और सरकार देख भी नहीं रहे। तो यूपी में कानून व्यवस्था कैसी नज़र आती है आपको? अभी तो फिलहाल बहुत बढ़िया चल रही है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ है, हम भी प्रशासन के साथ चल रहे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार तो लेकिन लगातार विपक्ष कहता है रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार में। देखिए, कहना तो दुनिया भर के लोग बात करते हैं, पर यह है कि काम धाम हो रहा है, ऐसा नहीं कि 10 तरीके नहीं है। जो नहीं करने वाला है उसके लिए कुछ भी कमी नहीं। मैं ठेले भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, सब्जी भी बेचता हूँ, तीन तीन काम करता हूँ। करने वाले के लिए बहुत सारा काम है, नहीं करने वाले कुछ भी काम नहीं है। सर काम करने के कुछ भी काम कमी नहीं है ना, काम करने के बहुत कुछ काम है, काम ही नहीं वो करेगा तो काम कहाँ से आएगा। लेकिन लोग तो कहते हैं रोजगारी नहीं है, कौन कह रहा था? काम करने से कभी कमी नहीं हुई, विपक्ष लगातार सवाल उठाते हैं। वो तो आवाज़ उठाते रहते हैं, वो तो बात है, कहने भी बात है, वो आवाज़ वैसे ही उठाते रहते हैं, कितना सब उठाते हैं। वो तो हराम का ढूंढता रहेगा, जिसको हराम का चाहिए हराम का ढूंढता रहेगा। जी, हमारे साथ एक राइटर जितेंद्र जी हैं, इन्होंने कविता भी लिखी इस बात को लेके, तो इन्होंने काफ़ी इन्होंने भी नया एक कविता लोकगीत भी इस पे बनाया है कि जो भ्रष्टाचार पे जो है। जी बताएं। जी नमस्कार, मैं राइटर जितेंद्र और केंद्र सरकार और योगी जी के ऊपर मैं एक गाना भी लिखा हूँ, आप लोग इसे सुने और पसंद करें। नरेंद्र मोदी योगी जी ये नेता कितना प्यारा, तो फूल छाप को टवा ही देना है ओ यारा। स्वच्छ भारत देश हमारा, जय श्री राम का गूंजे नारा। राजा रंग फकीर सारा, तो फूल छाप को टवा फिर देना है दोबारा। हाँ से धरती गूंजे आसमान, ऐसा है हिंदुस्तान। हाँ से धरती गूंजे आसमान, ऐसा है हिंदुस्तान। तिरंगा ऊंचा हमारा, तो फूल छाप को टवा फिर देना है हो यारा। बिल्कुल, जिस तरीके से कह रहे हैं कि फूल छाप को, कह भी रहे कि फूल छाप को टवा देना है दोबारा, तो आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी आ सकता है इसमें? फूल छाप है तो मेरा क्या कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। हम जो गाना बहुत बेहतरीन गाया आपने। जी सर, हमने तो बहुत सारा गाना, फूल छाप को उठवा दिया दोबारा। और सर बहुत सही। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इन्होंने गाना भी जिस तरीके से गाया कि फूल छाप को उठवा दिया दोबारा, आपको लगता है विपक्ष इसमें आएगा? सब आएंगे, आएंगे यूपी में जोगी जी और देश में। एक बात, जोगी बाबा आएंगे तो आएंगे, जोगी जी आएंगे। रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार लगातार जो विपक्ष मुद्दा उठाता है, इस पे क्या कहेंगे? जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई होगा ही होगा, ये काम महंगाई तो होगा ही। आज से भी आज से 30 साल पीछे जाइए, उस समय जनसंख्या में, अभी के जनसंख्या में जमीन तो उतना ही है, जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगा ही, इसमें कौन सी कैसी सरकार चाहते हैं आप 24 में? किसकी सरकार चाहते हैं? जोगी जी के चाहते हैं। कितनी सीटें निकलेंगे आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में? बहुमत से ज़्यादा 80 सीट है, 80 सीट में कितनी सीट निकाल पाएंगे आप? 300 से ऊपर जाएगी सीट पूरे देश में, 300 प्लस स्कोर करेगी बीजेपी। हाँ, 300 से ऊपर जाएगी। तो अखिलेश खुद ही कह रहे हैं यूपी में केवल 50 सीट प्लस जाएंगे। अरे ठीक है, वो सब कोई कहता है, कौन नहीं कहता है, हम नहीं कहते, हम भी तो ख्वाब देखते हैं, हम 50,000 महीना कमाते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बिहार का है। बिहार में अभी देख ले किस तरीके से हिंसा बढ़ती है। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। अच्छा। बिहार में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में क्या कुछ नजर आता है आपको? वहाँ नीतीश सरकार है, नीतीश लगातार कहते रहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। होता है तभी तो बिहारी होके नीतीश के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि बिहार में हिंसा होती है। वो तब हुआ है, तभी तो हम यहाँ आए हैं, हम 25 साल से यहाँ आए यूपी में, यही इसी सेक्टर 58 में बिशनपुरा गाँव में 25-26 साल हो गया, 97 से इसी गाँव में हूँ मैं। तब बताओ, हम बिहार के रोटी खाए गए, यूपी के मैं खावा हूँ, अपने बच्चे वच्चे ले के यहीं हूँ मैं। सुकून कहाँ ज़्यादा मिलता है आपको, यूपी के बिहार? सुकून तो मैं वो है भैया, तो मैं आपकी जन्मभूमि है बिहार, कर्मभूमि है आपके उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सरकार में आपको शासन व्यवस्था में ज़्यादा अच्छी लगती है? शासन तो यूपी में बहुत बढ़िया है, सरकार चाहे किसी के भी हो, अभी तो शासन तो इनका ठीक है। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से दंगा भड़का, आप क्या कहेंगे उसमें सरकार की फेलियर थी या कुछ और? सब सरकार के चाप है, सब सरकार की कमजोरियाँ है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी, इतना ज़्यादा बढ़ गई है बेरोजगारी, कौन कह रहा है? अब हम नहीं कमाने जाएंगे तो बेरोजगार ही बैठे हैं ना,
हम नहीं कमाने जाएंगे तो बेरोजगारी का। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं आप? हम तो इलाहाबाद रहने वाले हैं। इलाहाबाद में अभी भैया ने बताया कि बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, लेकिन जिस तरह रोजगार के माहौल है वहाँ पे, रोजगार मिलता है लोगों को? या सब समय होगा, रोजगार आएगा। हम कहते बताइए, अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी क्या कर दिए यूपी के लिए, क्या किए बताओ ना? हम कहे इलाहाबाद क्या किए? तो अभी तो योगी जी अखिलेश यादव कहते हमने मेट्रो दिया लखनऊ को, हमने एम दिए, सरकारी अस्पताल कह दिए, तो हम भी कहते हम भी दे दिए हैं, हम भी कह सकते हम भी दे दिए। जो बना दे वही मानो, जो बना दे हम उसको ही मानते हैं। वो तो कहते हम भी दे दिए, हम कैसे मान लेंगे दे दिए हो आप गलत। अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर विपक्ष आएगा जुटता सबकी 2024 लोकसभा में? वो भैया विपक्ष अपनी जगह है, मोदी जी के और योगी जी कोई हरा नहीं सकता है, ये कहने के बाद कोई कुछ कह ले। विश्वास आपका बहुत चरम पर है, जिस तरीके से कह भी रहे हैं कि योगी मोदी कोई हरा नहीं सकता। जी तो सही कह रहे हैं, विपक्ष तो आ रहा है ना एक साथ होके। हम कहते हैं वही चीज़ मैं आपको पहले बोल दिया ना कि हर पार्टियां आती हैं, अपना अपना पक्ष रखती हैं, लेकिन जो काम करता है लोग उसी को चॉइस करते हैं। सुंदर था तो लोग हैं। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम नीरज है। क्या नाम है? नीरज। कहाँ के रहने वाले आप? अलीगढ़। अलीगढ़ में क्या लगता है 2024 में लोकसभा चुनाव पास में है? यूपी, यूपी लगता है। चुनाव में किसको वोट करेंगे आप 2024? चुनाव में भी बीजेपी। बीजेपी की पार्टियाँ तो और भी हैं मेरा, ये अदर पार्टी जो है दंगा दंगा फसाद का फैला रही है, और बीजेपी काफ़ी आपके काफ़ी शहर में वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी काफ़ी चीज़ों को सब सही किया है, जैसे कि रोड है, हमारे आवासीय आवास क्षेत्र है, उनको गरीब गरीब महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए घर दिया है रहने के लिए, उनको छत दी है, इसी वजह से इनको बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, सरकारी योजनाओं कितना लाभ मिला आपको? सरकारी योजना में हमें लाभ मिला था। क्या क्या लाभ मिला आपको? हमें सिलेंडर मिला है, और तुम्हारा आवास 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 वाला जो मकान है वो मिला है बीजेपी के अनुसार, अदरवाइज किसी ने और किसी ने नहीं दिया है। और किसी और ने दिया? तो भैया कहाँ रहने वाले हैं आप? बदायूं। बदायूं में क्या माहौल? बदायूं में तो माहौल ऐसा ही चल रहा है अभी। कौन जीतेगा वहाँ से? वहाँ से अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जीतेंगे। तो भैया कह रहे हैं अखिलेश ने कोई काम ही नहीं किया, ये भी कह रहे हैं अखिलेश ने कोई काम नहीं किया। यादव ने जो काम किया है वो कर ही नहीं सकता कोई, किसी ने नहीं किया आज तक। रिकॉर्ड है अखिलेश यादव का, मैं भी नीरज यादव हूँ, लेकिन ऐसा माहौल। तो मतलब आप जात देख अखिलेश यादव? जात नहीं, जात बात में कोई नहीं, लेकिन ऐसा काम उन्होंने किया है, ऐसा तो किया ही नहीं। क्या काम किया बताइए? दो नंबर उन्होंने चलाई, बिजली मुक्त फेरी कर दी। इन्होंने क्या मुक्त कर दिया है? बिजली मुक्त कर दी क्या? राशन दे देते हैं वो भी, अब दे रहे हैं फिर भी बंद कर देते हैं, थोड़ी देना तक देंगे फिर बंद कर देंगे। बिजली केवल केजरी वाला में गई है, बिजली है, पानी है, पानी सब बेच रखे हैं। कौन बेचा है? अरे इसने, योगी ने बेचा और उसने बेचा है। बिजली यूपी में कहाँ फ्री चल रही है? भैया तो कह रहे बिजली यूपी में योगी ने बेच दिया। बिजली यूपी में बेच दिया? आपके घर में बिजली बिकी हुई आती है? बिल्कुल, इनोट बढ़ा दी है, बताओ पहले से कौन सी कंपनी से आ रहा है? जो तुम्हें ठीक है, आपके घर में जो बिजली है वो बिजली कौन सी कंपनी ने बेच के तो आपके घर में लगाई, उसका कंपनी का बताइए, किस कंपनी की बिजली बिलाता आप? बिल तो शायद ऐसा है जी, जो जो समय का दौर है, जिसको जो बताया जाता है कि फलानी जगह आग लग गई है, तो फलानी जगह आग लग गई है, कैसे हो सकता है कि छोटी सी चिंगारी से कुछ बुझा दिया गया हो? ये तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? महंगाई तो सबसे ज्यादा है, बीजेपी सरकार महंगाई ज्यादा, महंगाई वो तो बहुत ही भैया कह रहे हैं, आसमान छू रही है। क्या कहेंगे आप? देखो महंगाई जो है अपने जरूरत के हिसाब से महंगाई है, पहले जो है नौकरी बेरोजगारी जिसके लिए कह रहे हैं, योगी सरकार ने फ्री में नौकरी दी है सरकारी। मैं अपने ही परिवार का हिस्सा लेता हूँ, मेरा छोटा भाई पुलिस में हुआ है, 10 रुपये का रिश्वत नहीं गई है, 10 पैसे की रिश्वत नहीं गई, कोई बंदा कह दे कि एक कप चाय पिलाई गई हो उसके। बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं कि, ये तो कह रहे हैं भैया कि सरकार जो है रोजगार दे रही है लोगों को, प्रशासन अच्छा है, शासन अच्छा है, सड़कें अच्छी हो रही हैं। तो सड़कें तो पहले भी अच्छी थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे सुधार तो सब में हो रहा है। अच्छा, जैसे पहले लाइट थी वैसे लाइट है? हाँ लाइट पहले मान लो धीरे धीरे हो रही, अब विकास और बढ़ रहा है। विकास जो किया किसने, जो धीरे धीरे आप बोले धीरे धीरे विकास हो रहा है, विकास किसने लागू किया है? कौन? 100 नंबर अखिलेश ने चलाई थी। क्या कह रहे हैं आप? अखिलेश यादव ने विकास अपने घर पे किया है। बारे ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने अपने घर पे विकास किया है? नहीं, सब जगह विकास किया, कहाँ विकास नहीं किया बताओ? कहाँ किए बताइए? अब यूपी में सब जगह विकास ही विकास है, उसका क्या नाम बताओ?
नाम बताइए ना आप, कहाँ विकास किया? पूरी यूपी में किया है। कहाँ जगह करा, ये तो बताओ। भाई जगह, हर जगह का नाम थोड़ा ही है। अरे यार, विकास करा योगी ने। तुमने अखिलेश यादव में कुछ करा है बताओ? यूपी का काफी विकास किया है। अगले साल में क्या किया है? अगले साल में खाली खाया है। खाया होगा, तुम्हारा खाया है, मेरा तो खाया नहीं। अगले साल में अपना घर बना है, किसी गरीब गरीब परिवार का घर नहीं बना है। आज देख लो गरीब परिवार, आपके उनकी छाया में उनको घर दे दिया है। 15 साल से रो रहे हैं अखिलेश यादव। ये लीजिए, कह रहे हैं वैसी खाए है जो 15 साल से अखिलेश यादव रो रहे हैं। एमपी में अभी क्या हुआ, बहन योजना जो आई है अभी, तो बहन योजना करी गई है, सबके उसके तहत सबको 1,000 रुपये मिल रहा है। तो ये तो हमारे लिए सही है बीजेपी की सरकार की। हम तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई तो है, महंगाई किस बात के लिए? जितनी जितनी हमारी सैलरी बढ़ी उतनी महंगाई बढ़ी है। क्या है, पहले हमारे पापा जब थे यहाँ काम करते थे तो 2,700 रुपये में काम करा, आज हमारी वही है 30,000-40,000 सैलरी है। तो महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ेगी ना, जिस हिसाब से तनख्वाह बढ़ेगी उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई नहीं है कहीं पर भी हमारे हिसाब से। अच्छा, एक आप युवा हैं तो आप 2024 में सरकार कैसे चाहते हैं? हम तो बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी क्यों चाहते हैं? बीजेपी हमें हर चीज़ दे रही है और क्या नहीं दे रही है। क्या बीजेपी दिया, बीजेपी ने क्या दिया? खाने को राशन दे रही है, और क्या चाहिए? अब आदमी को क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए राशन चाहिए, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए ही नहीं, दो ही चीज़ चाहिए। लेकिन हाँ, घर में दो मत है, एक मेरा छोटा भाई, लेकिन उसे बीजेपी नहीं पसंद है क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली, वो नौकरी बस के लिए देख रहा है ना। और चीज़ें हैं, और भी चीज़ें देखी जाती है घर में कि लोगों को जो आम जनता, उसे बस दो ही चीज़ चाहिए, चाहे रहने के लिए घर चाहिए और खाने के लिए राशन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसे। रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए राशन चाहिए। तो ये तो भैया अभी थे कह रहे थे कि राशन अखिलेश यादव दे रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा दिया, हमें तो आज तक नहीं दिया। तो हमें तो बीजेपी ने दिया, जितने साल हो गए बीजेपी ने दिया, अखिलेश ने तो आज तक नहीं दिया कुछ भी। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने चाहे लखनऊ मेट्रो हो और चाहे जितने यहाँ पे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, चाहे आप दे लीजिए गंगा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे आप पूर्वांचल ले लीजिए, वो तो कहते हैं हमने लेके आया, योगी बाबा आके फीता काट चले गए। तो जो जिसके पास दिमाग होगा वो तो करेगा ही, यही बात है। जो काम करता है वो दिखाया नहीं है उसने, उसे दिखाना चाहिए ना। अब दिखाया इन्होंने अपना, अपने राज्य में इन्होंने दिखाया, जो ये जितनी भी जनधन योजना हो गई अपनी, क्या नाम है, और GST सारी किसकी देन है? ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन है, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं किया। क्यों नहीं, अब ये क्यों नहीं करा? क्योंकि जो ऊपर में बैठा हुआ था, अब वो करने नहीं दिया, लेकिन जो यहाँ पर ऊपर में बैठा हुआ है वो करने दे रहा है सारी काम। तो इसीलिए हमारे लिए तो बीजेपी सही है। अच्छा, गैस सिलेंडर के दामों पर क्या कहेंगे, पेट्रोल के दामों पर क्या कहेंगे, और जो आप दाल ले लीजिए, पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। रोजगार तो हमें मिल गया, और क्या, हमें हमारे घर में दो भाई है, हम एक भाई अभी लगा पड़ा है, अब वो तो अपने परिश्रम से होगा। SSC GD का पेपर दिया, पास नहीं हुआ, यही होता है ना, अगर पास हो जाता तो मिल जाती नौकरी, ये तो अपने ऊपर की बात है। हमें नौकरी मिल गई, हम पास हुए, हमें नौकरी मिली, जो ये तो अपने अपने काबिलियत के ऊपर है कि जिसे नौकरी जिसे मिलनी चाहिए उसे मिल रही है नौकरी, और क्या है। और जिसे नहीं मिल रही हो तो ऐसी करेगा ही, हमने तो जिसे देखा, जिसने तैयारी करी उसे नौकरी मिली है, जिसने तैयारी सही से नहीं करी, पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो 2024 में आपको लगता है बीजेपी आएगी? वो तो आनी है। ममता बनर्जी बंगाल से कहते हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ आएगा और बीजेपी को गाड़ फेंकेगा, बीजेपी सरकार, बीजेपी का दमन होगा, बीजेपी देश में नहीं रहेगी, अगर बीजेपी रही तो देश जो बर्बाद हो जाएगा, महंगाई भुखमरी का शिकार हो जाएगा। कोलकाता में जाके देख लो ममता बनर्जी ने क्या करा है, यूपी में देख लो क्या करा है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, एक अभी गुंडा ही था, यही प्रयागराज के गुंडा भी पकड़ा गया यूपी, कोलकाता में बता दो ऐसा कोई गुंडा हो जो पकड़ा गया हो। क्या कोलकाता में ऐसा नहीं चल रहा है? क्या हर जगह चल रहा है? लेकिन अच्छा, कोलकाता में जो हिंसा हुई अभी आप यहाँ भी देख सकते हैं, भंडारा यहाँ चल रहा है, लोग आराम से आ रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, प्रशासन भी यहाँ पे लगातार लगा हुआ है। और जिस तरीके से आप अलग अलग क्षेत्रों में देख लें, बिहार में देख लें, बंगाल में देख लें, इतनी सांप्रदायिक हिंसा भड़की, कई लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, पत्थरबाजी हुई, क्या कहेंगे उस पर? अब वहाँ अभी ये तो हर जगह की अलग अलग सरकार है, अलग अलग कानून है, अलग अलग हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है तो अपना, अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो हिंदू मुस्लिम दोनों खा रहे हैं, ऐसा कोई जाति नहीं। जात हमारे साथ में एक लड़का आया था मुसलमान था भी, उसने वो भी खा गया है, जबकि आज क्या है, आज बजरंग दिवस है, कोई भी मतलब। अब ये है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं है, सारे चीज़ एक है, हिंदू मुस्लिम एक है, कोई वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक है। सरकार भी यही बात करती है गंगा जमुनी तहजीब की, तो फिर ये सांप्रदायिक दंगे भड़काता कौन है? सांप्रदायिक दंगे नेता ही भड़काते हैं, जो आम आदमी कभी कुछ नहीं चाहता, आम आदमी तो कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में कि क्या होता है। अब ये जो लड़ाई करवाता है बीच में, नेता ही करवाते, बाकी कोई नहीं करवाता। और नेता भी वो करवाता जो विपक्षी दल का होता है, वो चाहता ही नहीं कि सरकार बने। ये क्या करें चाचा, सिर्फ ये नेता लोग करते हैं, वही लड़ाई दंगा कराते हैं और कोई नहीं करता है।
इंसान आम जनता कोई नहीं कर सकता अपने आप में। तो 24 में कैसी सरकार देखते हैं आप? 24 में कैसी सरकार देखते हैं? सरकार किसी की भी हो, सही होना चाहिए बस। हम तो बीजेपी की सरकार से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। और कांग्रेस के? कांग्रेस से तो ना खुश हैं ना खुश रहेंगे। क्यों नहीं खुश हैं? वो हमें चोर नजर आते हैं। कांग्रेस क्या है? चोर नजर आते हैं हमें। कांग्रेस चोर नजर आती है, लेकिन राहुल गांधी लगातार जो प्रश्न उठाते हैं बीजेपी पर, वो अडानी की बात करते हैं। कांग्रेस आपको चोर नजर कैसे आती है? अपने जीजा को देख लेना, जीजा को देखा उसने कभी आज तक? जीजा को देख ले अपने। कौन जीजा? अरे उसका जो बाड़ा जीजा है उसे देख ले पहले, उसने कितना चोरी करी है उसे देख ले पहले। और क्या, और किसे देखेगा दूसरे को? पहले उसे अपने अपने आप अपने घर में देख लेना। तो लेकिन और भी आप देखेंगे, चाहे नीरव मोदी नाम ले लें आप, आप अडानी का नाम लें, जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रवार करते हैं। अडानी और अडानी और इनकी क्या बात है? हमारा क्या लिया है? अडानी ने हमारा क्या लिया है? हैं जो हम अडानी को दोष दें? अच्छा, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि 20 लाख करोड़ आए कहाँ से? ये 20 लाख करोड़ आए कहाँ से? अब राहुल गांधी बताएं, हैं राहुल गांधी खुद बताएं ना कि 20 लाख कहाँ से आया, वो 20 करोड़ कहाँ से आया? हैं हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं जो अडानी के यहाँ से आया, या अडानी ने दे दिया, या अडानी लेके चला गया, कहने से थोड़ी। चाचा रहने वाले कहाँ गए आप? राहुल गांधी ने क्या दिया? हम तो रहने वाले एमपी के हैं, मध्य प्रदेश में है, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की है। 24 में क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने वहाँ पे? 24 में तो सरकार क्या, अभी 23 में बनेगी ना सरकार, जो भी बनेगी। लोकसभा चुनाव 2024? हाँ, अच्छा लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ विधानसभा 23 में है पहले, लोकसभा 24 में तो मोदी है ही है। विपक्ष एक साथ हो गया तो? विपक्ष होगा ही नहीं, ये दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती है विपक्ष को एक साथ क्यों होना पड़ रहा है। क्यों होना पड़ा आप बता दीजिए हमको भी। आप, मैं ये बता रहा हूँ, विपक्ष इसलिए होना पड़ रहा है, अगर हम मजबूत हैं, हमारे में ताकत है, तो हम अकेले भी लड़ लेंगे तो एक दो से। लेकिन विपक्ष लगातार, चाचा अगर हम कमजोर, पहले आप सुनिए, अगर हम कमजोर हैं तो 10 को हम मिलाएंगे कि हम चलेंगे आपके साथ लड़ लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। जनता जानती है कि हम एक साथ क्यों हो रहे हैं, हैं हम महागठबंधन क्यों बना रहे हैं, हम महागठबंधन क्यों बना रहे हैं, जब हम कमजोर हैं इसलिए बना रहे हैं, हमारे कार्य अच्छे नहीं थे इसलिए हम बना रहे हैं। अच्छा, विपक्षी पार्टियां ये भी कहती हैं कि विपक्ष को कमजोर करने के लिए सरकार जो है, चाहे बीजेपी चाहे मोदी, सीधे बताते हैं कि मोदी जी ईडी सीबीआई एफआईआर करवाते हैं जिससे विपक्ष जो कमजोर हो जाए। ईडी एफआईआर मोदी नहीं करवाते हैं, जो तुमने 60 साल में चोरी किया है उसका परिणाम आज भुगत रहे हो, जो तुमने पहले से खरीद करके और बड़े बड़े प्लॉट और बड़े बड़े वो बनवा दिए हो, हैं चाचा हमको एक बात और बता दीजिए आप, जिस तरीके से केजरीवाल जो है पीएम मोदी की डिग्री की मांग करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दायर होता है, 25,000 का जुर्माना लगता है, तो ये कहाँ तक सही है? ये सही है, ये सही है। मोदी की डिग्री क्या, मोदी आजकल ये चुनाव हो रहे हैं, हमें आप बता दीजिए कौन सा ये जो प्रधानी का जो चुनाव हो रहा है आपका, हैं हमें ये बता दिए जो चुन के उसमें आ रहे हैं कौन से पढ़े हैं। लेकिन चाचा जनता को चाचा मानेगी, जनता जिसको मानेगी वही बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन पढ़ा लिखा कहलाएगा चाचा, दूसरा कुछ जनता को हक भी है ना कि अपने प्रधानमंत्री से वो सवाल पूछ सके, हाँ, या डिग्री मांग सके, डिग्री दिखा सके। नहीं, जनता से क्यों, जनता खुद जानती है। लेकिन मोदी ने तो इंटरव्यू में बोला था कि मैं अनपढ़ हूँ। मोदी ने अनपढ़ कहाँ बोला था, हमने तो नहीं सुना कि बोला था कभी अनपढ़ हूँ। और अगर अनपढ़ बोला था तो जनता उसे क्यों पास किया, जनता ने उसे क्यों माना कि हमें अनपढ़ ही चाहिए? तो क्या केजरीवाल के कहने से वो अनपढ़ हो गए या काम नहीं कर रहे? अच्छा, केजरीवाल भी लगातार पीएम मोदी के ऊपर, बीजेपी मुझे सबसे छोटी एक बात ये बता दो, आप ही मीडिया वाले हो, आप मुझे ये बता दो, 60 साल से जो एक ही पार्टी ने राज करते रही, आप ये मुझे बता दो कि इन चौराहों पे कभी आपने टॉयलेट बनते हुए देखा था? नहीं देखा। आप पहले मुझे बता दो, या मोदी ही पहले प्रधानमंत्री बने हैं, ये पहले मुझे बता दो।
मोदी ने सबसे पहले यही बोला था कि पहले शौचालय फिर देवालय, हर जगह पे बना दिया, हर गांव में बना दिया, हर घर में बना दिया। आप बताओ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन शीला दीक्षित बीजेपी में थी दिल्ली में जब थी वो? शीला दीक्षित थी बीजेपी में जब ये दिल्ली में। हाँ बताइए। आरोप तो उनके ऊपर भी लगा भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। आज अभी 1100 को सिलेंडर आज हुआ है इतने दिन बाद। शीला दीक्षित ने 1200 को सिलेंडर कर दिया था उस समय में, जनता रोड रोड भटक रही थी इसी सिलेंडर के लिए। हम अपनी बात कर रहा हूँ, हम हैं यहाँ पे सिलेंडर के लिए। हमने कहाँ कहाँ घूमे कि हमारा कनेक्शन बन जाए। सिलेंडर आज भी महंगा हो गया है। सिलेंडर का कनेक्शन नहीं हो रहा था, इतनी भ्रष्टाचारी थी। आज रोड रोड में मिल रहा है, आज हर गलियों में वो लगा करके। लेकिन चाचा आप देखेंगे 2014 के पहले सिलेंडर काफी सस्ता था, 450 मिलता था। 450 में मिलता था तो मोदी ने भी दिया। कब दिया मोदी ने? मोदी ने जब जब, जब अभी तक दिया। अच्छा आपको लगता नहीं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है? हाँ महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। महंगाई ना पहले थी ना अभी है। महंगाई ना पहले थी ना अभी है, क्योंकि महंगाई जब हमने नोएडा में आया हूँ, जब नोएडा में आया हूँ तो हमें 2200 रुपया मिलता था उसी काम का। अब और अब 12000 मिलता है। चाचा ठीक है, आपसे हम एक लास्ट सवाल पूछना चाहते हैं चाचा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार कैसी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किसकी सरकार बनना चाहते हैं आप? 2024 में मोदी की ही सरकार चाहते हैं। क्यों? मोदी ही अच्छे हैं, मोदी ही प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, और जब तक मोदी हैं तो मोदी ही बनते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोगों ने सुना कि चाचा भी कह रहे हैं कि मोदी हैं तो मोदी अच्छे हैं, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बढ़िया काम किया था, लेकिन 2024 में जनता किसको सरकार ताज पहनाएगी, कौन पीएम बनेगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में हासिल होंगे, सत्ता हासिल करेंगे, सत्ता पर बैठेंगे, इन सब तमाम चीज़ों का हल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही निकलेगा। कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुदीप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।